वेलकम टू सीफर्स स्टाइल। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। सो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वो बहुत यूज़फुल है। इसमें मैं आपको आपकी चिन, डबल चिन, आपकी जो जॉ लाइन है, आपकी जो आईब्रोज हैं, आपके जो आई एरिया है, इनको लिफ्ट कैसे कर सकते हैं। भाई हौसला करिए, हौले हौले, एकदम से ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। मैं कोई मैजिक नहीं करने वाली हूँ, एक छोटी छोटी सी टिप्स दे रही हूँ, छोटे स्टेप्स हैं, मसाजिंग टिप्स दे रही हूँ, और ये ट्राइड और टेस्टेड है बजाते खुद के। सो अब आप देख रहे हैं, कैन सी माई चीक बोन्स, ये कोई मेकअप नहीं है। हाँ कंट्रोलिंग भी है, लेकिन दीज कर्व्स आर ओरिजिनल। कोई डबल चिन आप देखें, जो मास्क होता है यहाँ पे आपको ढलक जाता है बाय द एज, और आप जब आप स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद आप जब आप गेन कर रहे होते हैं तो हर चीज़ जो है वो मसल जो है आपकी जो है वो आपकी जो फैट है वो गेन हो जाता है हर जगह पे। तो ये स्पेशली एरिया आपकी टू चिन एरिया, दिस आपकी जो चीक बोन है, आपका आई लिफ्ट और आपकी आईब्रोज, दीज फोर एरियाज, इनके मसाज की छोटे छोटे से टिप्स बताने वाली हूँ। आपने हर जो टिप है, हर जो मसाज है वो 5 times करना है एक ही जगह पे, बहुत जेंटली, बहुत सुकून से, बहुत नरम हाथों से। सो आई थिंक ज़्यादा बातें नहीं करते और आपको टिप्स देना शुरू करते हैं कि आप कैसे अपनी त्वचा को आई मीन नो आप कैसे अपनी डबल चिन और अपनी जॉ लाइन को, अपनी आईब्रोज को, अपनी आईज को लिफ्ट कर सकते हैं। काम करते हैं, काम शुरू करते हैं, स्टार्टेड। Done with my face wash, I've done the cleansing, now let's start the massage part. आप देख सकते हैं थोड़े से जो रैशेज हो गए हैं मेकअप के बाद, अक्सर ऐसे हादसात होते रहते हैं। कोई बात नहीं, क्या होता रहता है। अच्छा कर, जब हम चलते हैं मसाज के लिए, मैंने पैड ट्राई कर लिया है। सो अब हम लेते हैं ऑयल। ऑयल कौन सा लेंगे? मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ दो ऑयल, मैं टू ऑयल ब्लेंड कर रही हूँ, टू ऑयल को मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि कोकोनट एक ले रही हूँ मैं कोकोनट ऑयल, मैं बता भी दूँगी कि मैं टू कर रही हूँ। ये कोकोनट ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, आप कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है किसी ब्रांड का। और ये है रुकने बताओ, ठीक हो क्या बरवा वालों का रुकने बताओ। अच्छा जी, हाथों पर ले रही हूँ, हाथों पर इसको मिक्स कर दी, देखने से अल्लाह अल्लाह, ओके मिस हैप्स। अच्छा जी, तो भी लेते हैं फ्यू ड्रॉप्स। इसके लिए मैंने करनी को हाथों पे अच्छी तरह से वॉम। सो ये अब आपने बनाना है एल शेप, कहने आप ऊपर लग गया वो, ओके एल शेप बना ले या वी शेप बना ले, जैसे भी आप, ये है फॉर्मेशन, ठीक हो गया। इसको आपने, ये भी जो है इनवर्ट्स है, इसको आउटपुट करते हैं। जब आउटपुट हो गया, ये जो एंगल है आपका, ये एंगल, ये आपका आपके आई बैग्स और आपकी चिन के लिए जॉ लाइन आप इसको करेगा, राइट। आप मैं इसको पहले मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ, फिर साइड वाइड। ये रिपीटेशन करनी है हमें 5 times रिपीट करना है ये स्टेप, ओके। हर स्टेप ये एक्चुअली 5 times करना है। तो ये हमारा एल शेप फ्रंट एंड देन, मतलब इनवर्ड्स एंड देन आउटवर्ड्स, फ्रंट से वो अपवर्ड्स, वेरी स्लोली एंड जेंटल। पहले मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, ठीक
सारी छोटी चीजें। मेरे हो गए 5 टाइम्स। ओके, हाँ मैंने प्रेशर दिया थोड़ा सा, फिर मैंने इसको रिलीफ किया। ओके, अब आ गई बारी आपके आई अंडर। अभी मैंने अंडर आई नहीं किया आपके आई बैग्स और आपकी जॉ लाइन को किया। मैं दोबारा बता देती हूँ ये स्टेप देख लें। राइट, अब आपको बारी आएगी इस आपके जो कॉन्टर वाला पार्ट होता है दिस पार्ट। ओके, आपने इसको ही रखना है, थोड़ा सा इसको आपने नैरो करना है। आपने हाथ फिंगर आपने यहाँ रखनी है अपने जॉ के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे, और नीचे से आपने यहाँ रखना है और आपको थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करना है इस जगह। फाइव टाइम्स कर लिया। अब आपने अपने हाथों को हम नैरो करते जा रहे हैं, हमारा एक ही पोजीशन है पर हम उसको नैरो करते जा रहे हैं। हमने और नैरो किया, अगेन इसको आउटवर्ड किया, यहाँ पे रखा लास्ट लाइन के नीचे और इसको ऊपर की तरफ किया। ये देखिए, ये देखिए, इसी को हमने यूं किया और यहाँ से इनवर्ड, पहले आउटपुट करे थे इनवर्ड हो गए। ये आपकी जॉ लाइन, प्रेशर आपने कान के पीछे देना है। राइट, ये हो गया। अब हमने के लिए आईब्रो एरिया, इसको फिर पकड़ना है ऐसे। और लास्ट वाला थोड़ा सा प्रेशर दे दें आप। ओके, अब हम पूरे फेस के, मैंने ऑयल फेस पे अप्लाई नहीं किया था, आप देख रहे हैं सिर्फ मैंने हाथों पे रखा था। मैं पूरे फेस पे हल्का सा मसाज करूंगी हल्के हाथों से और उसके बाद खल्लास फिनिश। और हाथों का इस्तेमाल करूँगी और पूरे पेट में पहले मैंने अपना ऑयल लगाया बहुत जेंटली। ये समटाइम आप जो ऑयल है ये रैश भी कर देते, तो ये रैश भी कर देते हैं। तो सेंसिटिव स्किन वाले प्लीज़ अपना ख्याल रखें, ऑयल का बहुत ज़्यादा ऑयल ना करें। अगर आपको रैश करता है तो थोड़ा सा ऑयल ले लें, तो और कोशिश करें कि जो लास्ट स्टेप है ये मत करें जो मैंने फाइव अभी आपको 5 सिंपल स्टेप्स बताए हैं। 1 विद फुल फिंगर, 1 एंड नैरो करके दिस, एंड देन लास्ट लाइन 3 एंड देन दिस 1 राइट 4 एंड आईब्रोज 5। दिस 5 सिंपल स्टेप 5 टाइम्स बहुत स्लो अपने हल्के हाथों के साथ मसाज करना है टू अपलिफ्ट ऑल दीज एरियाज। ये आपका हो गया। अब इसमें सिंपल से फेस का बता दूँगी, आपने सिर्फ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक लास्ट स्टेप देना है जो लास्ट टच आप कह रहे हैं इसको, ठीक है। सो जल्दी से ये करते हैं। अगर आप ये देखिए मैंने अभी किया, लेकिन ये तो क्योंकि पहले से मैं कर रही हूँ इस वजह से आप ये थोड़े दिन कर लेंगे, मतलब आपको 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, तकरीबन 10 दिन बाद आपको 10 से 12 दिन लगेंगे इस रिज़ल्ट को आने में। इससे पहले इतना जल्दी आपको ठीक रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई सर्जरी नहीं है। सो इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम दें, कोई 10-12 दिन आप दें। और अगर 1 महीने के बाद थोड़ा पेशेंट ज़्यादा है तो 1 महीना इंतज़ार करेंगे, 1 महीने के बाद और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सो अब मैं पूरे फेस का कर लेती हूँ जल्दी से। आप देख लीजिए, बस अपने हाथों को हल्का रखना है, जितना हल्का लाइट रखेंगे उतने आपके जो स्किन है वो इरिटेट नहीं होगी ऑयल्स। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड लास्ट 5 टाइम। अब आप नोज को अपने हाथों को ज्वाइन कर लें और फिर नोज इनसाइड आप थोड़ा सा बहुत हल्के हाथ यूज करिए अप्लाई। क्या अपने यहाँ से ये लाफ लाइन के लिए बहुत लाइट सा मसाज। मैंने वार्म करना है और मेरे हाथ पे एक वार्म टच अप।
10 seconds and I'm all done. सो गाइज अब मैं ये लेके तो इनमें ज़रूर इसको वाइप करना है और इनको ऐसे आपने नहीं सोना है, ऐसे इसको नहीं छोड़ना है, इसे ज़रूर वाइप करें एक्सेस ऑयल को। और अगर आपकी स्किन सुपर सुपर ड्राई है और रात के वक्त आप और अगर ये मसाज रात के वक्त कर रहे हैं तो सुपर कूल, बिकॉज अगर आप रात को करके सोएंगे आपकी स्किन रिलैक्स होगी, जितना आपकी स्किन रिलैक्स होगी उतना अच्छा आपकी स्किन है, वो आपकी स्किन की जो रिजुविनेट होती है सारी रात वो आपका अच्छा होगा। तो अगर आप ये रात को करते हैं तो वेल एंड गुड, और रात को करके इस बात को क्लेंस करके आपका मॉइस्चराइजर है रेगुलर या नाइट क्रीम या स्लीपिंग मास्क जो भी लगाना चाह रहे हैं वो लगाएं और गुड नाइट हो जाए। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है, आपकी स्किन ऑयली है, मेक श्योर इसको फ़ौरन से पहले वॉश करें, साफ़ सुथराई करें और उसके बाद अपना कोई जो भी मॉइस्चराइजर आप यूज़ करते हैं वो लगाएं और अल्लाह हाफिज़ और अच्छी सी नींद लेके सो जाएं। सो आई होप यू लाइक इट। आज के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है मेरी तरफ से। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया, आपको लगा कि ये वीडियो बहुत यूज़फुल है आपके लिए, आपको ये टिप्स अच्छे, सर्दियाँ आ रही हैं, फॉल शुरू हो चुका है, सर्दियाँ भी आने वाली हैं, सो ये रेस जो मैंने अभी बताई है आपको ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है ये टिप्स, क्योंकि ऑयली है। और अगर आप स्किन इरिटेट नहीं कर रही है तो आप इसे रोज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन जो है वो इरिटेट कर रही है और रिएक्ट कर रही है सो आप इसको रोज़ ना करिए, आप इसको वन डे का गैप दीजिए और अल्टरनेट डेज पे इसको करिए मसाज को। लेकिन इसको एटलीस्ट 12 डेज तक आपने करना है, मतलब अगर आप अल्टरनेट डेज पे भी कर रहे हैं तो एक दिन का गैप देखें तो ये टोटल 4 डेज बन जाते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं कर रहे, आप रोज़ कर रहे हैं, वेल एंड गुड, फिर 12 डेज का दीजिए इसको मैक्सिमम टाइम दीजिए। और अगर महीना दे सकते हैं तो पेशेंस के साथ करते रहिए, आपको एक खूबसूरत रिजल्ट मिलेंगे, ये गारंटी बात है। कहते ना कि कतरा कतरा पानी पत्थर पे गिरे तो क्या होता है, उसमें सुराख हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह इसी बात के साथ मुझे अल्लाह हाफिज़ कहिए। और मेरे की पसंद आ गई है वीडियो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कीजिए। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय फ्रॉम सी फजी साइड।